हेलो दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एमआई का ट्रिमर। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। 1499 इसका कॉस्ट है, 1199 का ये पड़ा है। तो डब्बा फाड़ते हैं और टाइम ख़राब नहीं करते हैं। ये डब्बा है अमेजोन का, अच्छी पैकिंग थी, मैंने ख़राब कर दी। ये इसका इनवॉइस है 1199 का, ये किसी काम का नहीं है, इसको फेंकते हैं। आगे का ये मेन बॉडी है। इन द बॉक्स एक्सेसरीज क्या क्या है? एक बियर्ड ट्रिमर है, एक यूज़र मैनुअल है, पावर कॉर्ड है, ट्रिमिंग कॉम्ब है, ट्रेवल पाउच है, क्लीनिंग ब्रश है। 1499 MRP है और मेड इन चाइना है, मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना, और पूरा उसका अता पता खानदान सब लिखा हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेड बाय इंडिया, जुलाई 2019 का मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अंदर आपका मेन जुगाड़ है, ठीक है, इधर से निकलता है। ये है मेन बॉडी ट्रिमर का। ये आपका एडजस्टमेंट सेटिंग्स है, दीज आर 40 सेटिंग्स आप कर सकते हैं इसके अंदर, 0.5 mm से लेके 20 mm तक के। ये इसका पावर है, ये बैटरी LEDs हैं। आपका ट्रिमर चार्ज है कि नहीं है ये इधर से बता सकते हैं। इधर से चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं आप। इधर पावर कॉर्ड कनेक्ट होता है। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं और ये डिटैचेबल है, ठीक है। और आपने एक डब्बे पर पढ़ा ही होगा, IPX7 वॉशेबल बॉडी है। इसका जो बॉडी है वो वॉशेबल है, बट आप इधर से वॉश ना करें क्योंकि इसका मोटर ख़राब हो जाएगा। खाली बॉडी वॉशेबल है। ये इसका ट्रैवलिंग पाउच है, इसके अंदर रख के आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सेफ्टी रहेगा, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी ये इसका एक एक्स्ट्रा पेयर है, ब्रश, ये महंगा आइटम है इसका, केबल। सो केबल, दिस इज़ USB, नॉर्मल USB केबल, और अच्छा खासा अबाउट 700 mm के आसपास का लेंथ है इसका। ये पिन मैच कराना है, ये वाला पिन और ये वाला पिन, और इसको घुसा देना है। अच्छा खासा लेंथ है इसका, तो आप चार्ज कर सकते हैं। मेनली रिव्यूज़ इसके बाद में देते हैं, ये फर्दर इसके अंदर और कोई आइटम नहीं है, एक यूज़र मैनुअल और है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपके लिए कैसा ट्रिमर का रिव्यू रहेगा वो मैं बाद में दे दूंगा। फिर कभी मिलते हैं, बाय बाय।